ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश में विंध्य दर की पुन के गौरवान्वित भा है। उधर की विंध्य के मान विंध्य के बहू के द्वारा बढ़ावा का है। बता रही कि विंध्य के बहू और जबलपुर के बेटी के द्वारा सामाजिक कामन में अपन न केवल लोहा मनवावा का बल्कि आप विंध्य के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश के मान सम्मान का विंध्य के बहू बढ़ाए रही हैं। बता दें कि जानकी पांडे के सामाजिक काम और उनके पार्टी में योगदान का देख के कांग्रेस के द्वारा उनका यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी 1 जनवरी का दिन गई बैतिया। नए साल के दिन बता दें कि विंध्य दर की पुन के गौरवान्वित भा जहां विंध्य के नाम रोशन कर रही हैं विंध्य के बहू। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सभा जन इनका प्रोग्राम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि जबलपुर की बेटी लगातार 4 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी युवा ब्रिगेड का प्रदेश के 8 संभागन में मजबूती दे और शिवपुरी में बाढ़ से ग्रस्त पीड़ित के मदद कोरोना ग्रस्त पीड़ितन की मदद और पीड़ित महिलान के अधिकार का देवावे खातिर कईक सामाजिक कामन खातिर राष्ट्रवादी के परचम पूरे मध्य प्रदेश में लहरावे वाली जबलपुर की बेटी और विंध्य के बहू जानकी पांडे का इनके उत्कृष्ट कामन खातिर मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव से 1 साल पहले राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई रही और अब अपनी मेहनत और लगन के बलबूते समाज और प्रदेश के विकास के बाद दिल्ली तक पहुँचाए वाली जानकी पांडे का 1 जनवरी 2023 का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि जानकी पांडे के सामाजिक काम और उनके पार्टी में योगदान का मद्देनजर रख के राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अनुशासन समिति के सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोर कमेटी के सदस्य घलाय चुना गया है। भोपाल में उनके कार्यालय में आए दिन राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रदेश के आए दिन जो है मजबूती से विकास हो रहा है। राष्ट्रवादी युवा के सदस्यता घलाय बढ़ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धीरज शर्मा और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा बता दें कि जानकी पांडे का राष्ट्रीय कमेटी में नारी शक्ति का स्थान और सम्मान दे के इतिहास रचा गया है। विंध्य के नाम जो उन्हें विंध्य के बहू के द्वारा प्रदेश से लेके देश तक बढ़ावा गया है। जानकी पांडे अमलाई बापू चौक गायत्री सदन में निवास करती हैं। एक साथ है जबलपुर और भोपाल में उनके कार्यालय से अपने पार्टी के काम संभलती हैं। जानकी पांडे के उपलब्धि से विंध्य के सब नारी और मध्य प्रदेश के सब वर्ग के महिला सम्मानित महसूस करती रहा। जानकी पांडे के उपलब्धि में यूथ ब्रिगेड के सब पदाधिकारी और कर्मचारी में खुशी के लहर है। के साथ ही साथ उनके परिवार में प्रसन्नता और गौरवान्वित उनकर परिवार महसूस कर रहा है। परिवार और देश के साथ ही बता दें कि प्रदेश के सब लोगों के द्वारा उनके उज्जवल भविष्य के कामना की गई है। दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल प्रणाम। तो और आ गए चलते यार, वैसे होना तो इनका ही है। काश डैड की बात मानकर अरीना एनिमेशन ज्वाइन किया होता। इसीलिए बाप बाप होता है। चल अरीना एनिमेशन से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल आर हायर्ड। अरीना एनिमेशन, डिमांड में रहोगे।